हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडियो एक्वेडियम स्वागत है। आज आप सभी के लिए मैं राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के बारे में आपको जो ऑफिशियल प्रेस नोट अभी जारी किया गया है वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। क्या प्रेस नोट है वो आपको देखने को मिलेगा। इस कारण हो रही है भर्ती लेट, तो आपका क्यों कारण है, कौन सा कारण था, वो अभी जानने को आपको मिल जाएगा। इसी कारण इस भर्ती को लेट किया जा रहा है। पदों की संख्या और योग्यता, एज लिमिट क्या होगी, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर ऑफिशियल प्रेस नोट आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा ऑफिशियल प्रेस नोट है 27/8/2019 को जारी किया गया है, जिसको आपको हम बता देते हैं पूरी जानकारी। क्या जानकारी है यहाँ पर आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, यहाँ पर एक क्रमांक संख्या वगैरह देख सकते हो, जिला कलेक्टर अजमेर, अलवर, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, गंगापुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, इन सभी जिले के कलेक्टर को यहाँ पर ये एप्लीकेशन लिखी गई है। क्या है विषय देखिए आप यहाँ पर, विषय जिला रोस्टर के अनुसार पटवारियों के 3835 पदों की अभ्यर्थना। तो यहाँ पर देख सकते हो अर्थना भेजी गई है कितने पदों की, 3835 पदों की, यानी कि आपके कुल पद कितने हो गए, 3835 पद। आगे देख सकते हो प्रसंग, क्या है प्रसंग, मंडल का पात्रांक राम, ये जो ये दिखा रहा है आपको, ये कब भेजा गया था, 9/8/2019 को भेजा गया था। उसके बाद आप जिसके बाद मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताया भी था कि आज नोटिफिकेशन भेज दिया गया, यानी कि उनको अभ्यर्थना के लिए मांगा गया है कि कितने पदों पर चाहिए हमें, ठीक है। तो उसके बाद ये जानकारी क्या है महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशांत सिंह की पत्र के क्रम में निवेदन है कि पटवारियों के 3800 पदों की अभ्यर्थना जिला रोस्टर रजिस्टर के अनुसार तैयार कर मंडल को निर्धारित दिनांक तक मांगी गई थी। तो आपको जो निर्धारित दिनांक थी वहां तक मांगी गई थी, पर अभी तक वो भेजी नहीं है। कितने दिनांक तक मांगी गई थी, तो वो मांगी गई थी आपकी 9/8/2019 तक, पर अभी तक ये अभ्यर्थना नहीं भेजी है। इसका क्या कारण है यहाँ पर और देखिए, जिसकी सूचना आपके जिले से आदि दिनांक प्राप्त, तो जिससे क्या हो गए, ये दिनांक अप्राप्त हुई, अतः अर्थना से संबंधित सूचना तत्काल मंडल में शीघ्र ही भिजवाने का श्रम करावे। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि अभ्यर्थना से संबंधित जो जानकारी है वो जल्दी अपडेट करावे, ठीक है। तो किन्होंने आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ये जैसे तो राजस्व मंडल राजस्थान, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जल्दी से जल्दी हमें इसकी अभ्यर्थनाओं का बारे में बताएं कि कौन से पद कहाँ पर कितने खाली है, पूरी जानकारी इनको जल्दी से चाहिए, और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी आएगी, तो आप तैयारी में जुटे रहिए। प्रतिलिपि देख सकते हो, संयुक्त शासन सचिव राजस्व विभाग ग्रुप वन राजस्थान जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर ये देख सकते हो सुरेश सिंधी ने यहाँ पर साइन भी कर रखे हैं, जो कि राजस्व मंडल अजमेर के जो सचिव है उन्होंने। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और राजस्व मंडल ने भी इसका नोटिफिकेशन जल्दी मांगा है कि श्रम करके जल्दी से जल्दी इसको हमें दें। तो यहाँ पर ये जो बड़ी अपडेट थी आपको देख लेनी है, ये आपका सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर, शीघ्र भिजवावे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कोई बड़ी अपडेट के साथ, जब तक टेक केयर, देखते रहिए हमारे चैनल को, मिलेगी आपको सबसे पहले और सबसे पल भर की अपडेट।